नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आज की नौकरी चैनल पर। मेरा नाम है संजीव और आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के बारे में, रेलवे में जो वैकेंसी आने वाली है कल यानी कि 10 फरवरी 2018 को, उसी के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं कि क्या इसमें 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, या फिर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी इसी वाली वीडियो में, तो बिना वक्त जाहिर करे पूरा चीज देखना और हाँ लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में एक चीज और है जो कि आपको इन्फॉर्म करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पोस्टेड की, यानी कि कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है निकल करके ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, ट्रैक मैन, गेट मैन, पॉइंट मैन, हेल्पर, आपको हेल्पर की तरह आपको ट्रीट करा जाएगा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल में, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में और पोर्टल में। और भी कई सारी पोस्टेड है, आने वाली नोटिफिकेशन में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। टोटल वैकेंसी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 62,907 वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, 62,000 वैकेंसीज है यहाँ पर, क्योंकि जब रेलवे ने 2018 के लिए अनाउंस करी थी सारी वैकेंसी तो टोटल वैकेंसीज बताई थी उसने 2.5 लाख के करीब आएगी, और वही सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोको पायलट में 26,000 आई है, इसमें 62,000 आई है, और आने वाली वैकेंसीज मतलब कि असिस्टेंट स्टेशन मास्टर में करीबन 50 से 1 लाख के करीब वैकेंसी का आना संभव है। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, तो जनरल एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन एंड पीडब्ल्यूडी डिफरेंट आरबीस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, कई लोगों को बहुत कंफ्यूजन है एज लिमिट के बारे में, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप 18 से 31 ईयर ओल्ड हैं तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपनी एज पता करने के लिए आप 1/7/2018 से लगा सकते हैं 18 से 31 ईयर तक हो या फिर नहीं हो। अगर हम यहाँ पर पे की बात करते हैं, आपको 18,000 पर मंथ दिए जाएंगे और वो भी लेवल 1 of 7th CPC। फिर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें कई लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत है कि भाई हम भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ हर वो शख्स को जो कि कंफ्यूज है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो 10वीं पास आपको होना है, ठीक है ना। आप 10वीं पास हैं जब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने ITI कर रखी है, NCVT या फिर SCVT से जब आप अप्लाई कर सकते हैं, और उसके इक्विवेलेंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है आपके पास, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 3 कंडीशन रखी गई है, ध्यान से सुनिए एक बार फिर। 10वीं पास है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, ITI है जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप का कोर्स है जब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और लगा करके यहाँ पर एक चीज और नोटिफाई करा गया है कि 10वीं पास होने के साथ साथ यदि आपके पास नेक का सर्टिफिकेट है बाय NCVT तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 10वीं पास ITI इंस्टीट्यूट अगर आपके पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरे मायने में यह है कि आपके पास 10वीं पास हो, ITI हो, या फिर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट हो, मतलब कि आप 10वीं पास भी यहां पर अप्लाई कर सकता है। पूरा टोटल यहां पर निचोड़ यही निकल करके आता है। यहां पर जो आपका मेडिकल होगा वो कल नोटिफाई कर दिया जाएगा आपको, तो इस चैनल पर बने रहे और नोटिफिकेशन के लिए जल्दी से जल्दी बेल आइकन दबा लें। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की, जी हाँ दोस्तों, तो रेलवे ने हर किसी के लिए फीस बढ़ा करके ज्यादा कर दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल वालों के लिए। जी हाँ दोस्तों, जनरल और ओबीसी वालों के लिए जो रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है, और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, ये आपको वापस नहीं मिलेगी एक बार जमा करने पर। कैंडिडेट बिलोंग टू एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी, या फिर फीमेल है, या फिर ट्रांसजेंडर है, या फिर माइनॉरिटी, या फिर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। अगर जिसे नहीं पता इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। वो होते हैं, ये बहुत ही पुअर कैटेगरी की होते हैं ये लोग, जिनकी मंथली सैलरी 1 लाख से कम होती है, और ये ना ही एससी में आते हैं, ना ही एसटी में आते हैं, ना ही ओबीसी में आते हैं।
तो इन्हें नाम दिया गया है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो ओपनिंग डेट इसकी 10 तारीख दूसरा महीना 2018 10 बजे से ये ओपन हो जाएंगे, और इसकी क्लोजिंग डेट जो है वो 12 तारीख तीसरा महीना 2018 है और 12 बजे ये क्लोज हो जाएंगे। इसकी जो ऑनलाइन पेमेंट की डेट है वो 12 तारीख तीसरा महीना 2018 है, 1 घंटा पहले ही आपको करनी पड़ेगी, मतलब कि 1 महीने का टाइम आपको मिल गया है यहाँ पर। या फिर आप SBI बैंक में जाकर के ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं 12 तारीख से पहले पहले, या फिर आप पोस्ट ऑफिस चालान भी कटवा सकते हैं, मेरी माने तो ऑनलाइन ही जमा करें। अभी आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि आप किन किन RRBs में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो सुनिए ध्यान से, अहमदाबाद, अजमेर, अलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, सिकंदराबाद। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। और हाँ, जो मैं आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला था वो ये देने वाला था कि अगले 7 या फिर 8 दिन में लगातार आपके पास 6 वीडियो आएंगी इसी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली वीडियो होगी फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में, दूसरी वीडियो होगी बुक्स के बारे में, तीसरी वीडियो होगी आपका सिलेबस के बारे में, चौथी वीडियो होगी आपकी हाउ टू अप्लाई किस तरीके से करना है, पांचवी वीडियो होगी आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर और हिंदी और इंग्लिश PDF में आपको देना प्रोवाइड करना, और छठी वीडियो होगी आपके लिए फिजिकल और मेडिकल में क्या चीज आता है और क्या चीज पूछा जाता है, क्योंकि इसका फिजिकल बहुत ही हार्ड होता है, इसे निकालना उतना ही कठिन होता है जितना कठिन इसका एग्जामिनेशन होता है। तो मेरे ख्याल से जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है अभी तक आपको पूरी की पूरी कानों में आपके चली गई होगी और समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है कोई भी क्वेश्चन अभी भी बाकी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और एक चीज और, जितना भी मैंने अभी तक बताया है 10वीं पास, ITI पास, अप्रेंटिसशिप, तो बस यही 3 ही कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब मुझसे कमेंट में ये मत पूछना मैं 12वीं पास हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं, डिप्लोमा है मैं अप्लाई कर सकता हूं, तो कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता, चाहे कोई PhD भी क्यों ना हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, उसके लिए धन्यवाद बोलता हूँ। और दूसरी बात बेल आइकन को जरूर दबा लेना, यदि नहीं दबाया है तो दबा लो, सब्सक्राइब करने का कुछ फायदा नहीं होगा आपका। और हाँ, अभी मैंने जो आपको पेज दिखाया है उसे मैंने अपनी कम्युनिटी में डाल दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं ये पेज तो यहाँ पर जाकर के, ये रहा पेज, यहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं।